Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. खबर रायसेन जिले के मंडीदीप से, जहां पर पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को सतलापुर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें मंडीदीप नगर पालिका अध्यक्ष बद्री सिंह चौहान दादा भाई साथ में मौजूद रहे। वहीं हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष छुट्टी चौहान सहित राममणि द्विवेदी व लक्की तिवारी व साथी साथ सचिदानंद सिंह के साथ में मौजूद रहे। वहीं हम आपको बता दें, अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। तहलका इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। यही कहेंगे भैया, हम सारे लोग, हमारे नगर के और सतलापुर नगर के सारे लोगों ने यहाँ पे उनकी प्रतिमाएं रखी, हमारे शहीद भाइयों की, वीर जवानों की, उनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पूरे देश को उनका दुख है इस चीज़ का। हम चाहते हैं कि उनके परिवार के लोगों को जो भी हो, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी के पति थे, और इन लोगों के ही वजह आज हमारा देश चल रहा है। देश की बॉर्डरों पे हमारे आर्मी के जवान लगे हुए हैं, इधर हमारे अन्नदाता किसान भाई हैं, ये दो ही पालनहार है पूरी दुनिया का, जय जवान और जय किसान। अगर ये अगर नहीं रहेंगे जिस दिन, उस दिन ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। आज अपन जो सुकून से सो रहे हैं रात में बेफिक्र होके, तो इन लोगों की बदौलत है। तो बारंबार मैं इनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और फिर इसी भारतवर्ष में उनका जन्म हो, वो फिर बॉर्डर पे बड़ी पोस्ट लेके वो आए। ईश्वर से, माता जी से मेरी यही प्रार्थना है और हमेशा उनका मान सम्मान, सरकारें जो भी रहे, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनके परिजनों को हमेशा मान सम्मान मिलता रहे, उन लोगों को नौकरी मिले, उनके बच्चों को नौकरी मिले, यही मैं इस बार से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और अब ऐसा भविष्य में पुलवामा जैसा अटैक ना हो, यही मैं फिर प्रधानमंत्री जी को भी एक संदेश, मुख्यमंत्री जी को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी कस्टडी हमेशा बॉर्डर के ऊपर चौकन्ना रहे, ताकि दूसरे मुल्क का आदमी अपनी सरहद के अंदर घुस ना पाए। इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत माता की। पहले तो मैं चरणों पे चरण स्पर्श करूँगा और जो भी शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को भी, मतलब भगवान दिल में बड़ी शक्ति दे, उनको शक्ति प्रदान करे और सहानुभूति दे। और बहुत बड़ा नुकसान हुआ भारत देश का, और ऐसा डबल से कभी नुकसान ऐसा ना हो। और प्रधानमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी हो, मैं इनसे निवेदन करूँगा हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष की तरफ से और समस्त गण की ओर से, कि जो भी मदद हो वो मदद करें। बस यही बोलना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय बोलूँगा, क्योंकि मैं भी इसी देश से आता हूँ। और जो क्षतिपूर्ति हुई है, हमारा देश एक गणतंत्र देश है जिसमें प्रजा स्वतंत्र है और प्रजा का ही अधिकार है, और प्रजा से ही ये देशभक्त देश के निकले हैं। और क्षतिपूर्ति तो इतनी बड़ी हुई है कि इसकी कोई खाना पूर्ति नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि ये देश के लिए शहीद हुए हैं, हमारे मुल्क के लिए शहीद हुए हैं, हमारे वतन के लिए शहीद हुए हैं ये वीर जवान। इनकी कमी तो हमेशा महसूस होगी, लेकिन इनकी पूर्ति कोई नहीं कर पाएगा। और भारत का इतिहास रहा है, हमारे भारत देश का एक इतिहास रहा है, ये वीरों की भूमि कही जाती है। यहाँ का एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति महाराणा प्रताप भी है, और यहाँ का एक एक व्यक्ति हमारे देश का सच्चा योद्धा भी है, जैसे आदरणीय हमारे ये समस्त, इनके लिए पूरा देश आज श्रद्धांजलि में मग्न है और सारा देश इनको नमन कर रहा है। और सभी ऐसी माताओं का भी मैं चरण वंदन करूंगा जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। यहाँ पर हमारे जो शहीद हुए पुलवामा में, हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर के लोगों को ये दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। और हम सब इनके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।